वहीं पानीपत से खबर है। पानीपत के युवक की नूह में मौत के बाद पानीपत पुलिस हाई अलर्ट पर है। अभिषेक की मौत के विरोध में पानीपत में बंद का ऐलान किया गया। धार्मिक सामाजिक संगठनों ने मीटिंग कर ये फैसला लिया कि बंद बुलाया जाए। संगठनों ने मृतक अभिषेक के परिजनों के लिए मांग की है। परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और साथ ही सरकारी नौकरी की भी मांग की। पानीपत के युवक की जो मौत हुई नूह में इस हिंसा के दौरान, उसके बाद पानीपत पुलिस भी सतर्क है। विवाद में हुई हिंसा में पानीपत के एक नौजवान अभिषेक की जान चली गई। परिवार इस वक्त मुसीबत पर है, परिवार के लोगों में मातम है। हम अभिषेक के घर नुरवाला में खड़े हैं। ये अभिषेक का घर है। अभिषेक जो है एक तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, महिलाएं है वो यहाँ पर अभिषेक के गम में है क्योंकि परिवार का कमाने वाला था, नौजवान था। और इस वक्त हम अगर बात करें तो उनके जो ताऊ है वो बताना चाहेंगे कि कब जुड़ा था बजरंग दल से। ये साल भर तब बोल दिया, एक साल तक जुड़े आया था जी जी बस। और तो क्या मांग क्या करते इस बार? मांग आपसे बताया थी, जो मांग है हमने निसाब से ही है। वो ही घर में कमाने वाला था, कमाने वाला था। हाँ। और क्या करें। ये अभिषेक के ताऊ है और यहाँ पे चाचा भी। आप क्या कहना चाहोगे इस जो घटना हुई इसके बारे में? क्या हमने न्याय चाहिए इसके बारे में? सरकार से निवेदन है श्रीमान जी के, हमने न्याय चाहिए। जैसे हमारे बच्चे के साथ हुई, हमने न्याय चाहिए, पूरा न्याय चाहिए। और जिस प्रकार से कल संगठनों की बात हुई थी, उन्होंने सरकार से मांग की थी कि तकरीबन परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जो घायल हुए इन हादसों में उनको भी सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए। तो इस वक्त जो है आस पड़ोस के लोग यहां पर मौजूद है, परिवार भी मौजूद है। और कुछ ही देर में जो शव है वो पानीपत के सरकारी अस्पताल से नुरवाला के इस कॉलोनी में पहुंचेगा। देरा शव मेवात से यहाँ पर पहुंचा था लेकिन घर नहीं लाया गया। तो इसके हम सामने की बात करें, बाहर पुलिस प्रशासन भी तैनात है ताकि कोई दंगा ना भड़के। तो कुल मिलाकर गम का माहौल है और परिवार ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।